हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में पाली में एक जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। शाह ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को देश की बर्बादी का हिसाब देना चाहिए वे नरेंद्र मोदी से हिसाब मांग रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सुमेरपुर प्रत्याशी जोराराम कुमावत पाली से, ज्ञानचंद पारख बाली से, पुष्पेंद्र सिंह राणावत मारवाड़ जंक्शन से, केसाराम चौधरी और सोजत से शोभा चौहान के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह की सभा को सुनने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। यहां पहुंचने के केंद्रीय विधि राज्य मंत्री पीपी चौधरी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्प जैन, नगर परिषद सभापति महेंद्र बोहरा, भाजपा जिला अध्यक्ष करण सिंह नेत्रा ने भी शाह का स्वागत किया। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।